आप महाशिवरात्रि के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। शिव का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। शिवरात्रि के दिन यदि किसी को मनोकामना पूरी करनी होती है तो वह महाशिवरात्रि के दिन अपनी पूजा और कामना से भगवान शिव को खुश करता है और खुश करने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति मांगता है। आपने महाशिवरात्रि के दिन देखा होगा कि शिव की पूजा करने के लिए भांग के पत्ते और जितनी भी चीजें होती हैं जो श्रावण के महीने में हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, वह चीजें भगवान शिव पर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वही दिन था जिस दिन भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन के दौरान निकलने वाले विष को ग्रहण किया था और उसके कारण जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर दूध होता है, इन चीजों का सेवन करना हमें सावन के महीने में मना किया गया है। श्रावण के महीने में जो भी चीजें हमारे खाने के लिए अनिवार्य नहीं बताई गई यानी कि मना ही की गई है, तो उन चीजों को आप शिव पर देते हैं और शिव पर चढ़ाने के बाद भगवान से दुआ करते हैं कि ये सारी बीमारियां हमसे दूर हो जाएं और जो भी हमारे ऊपर का संकट आए वह सब भी दूर हो जाए। तो आज जानते हैं महाशिवरात्रि को किस तरह से मनाया जाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ कर नहाना चाहिए और स्नान करने के बाद आप इस चीज में कभी भी टाल मटोल ना करें, यानी कि ना हाँ कभी ना करें कि हमें मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सुबह उठे हो तो उसके बाद स्नान करने के बाद महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव के जरूर पास जाना चाहिए और उन पर जितनी भी दूध की सामग्री है उन्हें चढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसा करने से आपको कोई भी संकट ना आए और संकट के साथ साथ जितनी भी चीजें होती हैं आपको सकारात्मक प्रभाव देती हैं, ना कि नकारात्मक प्रभाव। यदि आपके घर में शिवलिंग है, अगर नहीं है तो आप मंदिर भी जा सकते हैं जहाँ पर शिवलिंग हो और शिवलिंग को स्नान कराएं, शहद और दूध का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में सौभाग्य आता है और जितने भी संकट होते हैं या समस्याएं होती हैं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। नंबर 3, भगवान शिव के शिवलिंग का स्नान कराने के बाद आप उन पर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात का खास ख्याल रखें, आप बेलपत्र जो भी जितने भी पत्ते हैं वह कहीं भी से भी कटे या फटे ना हो, क्योंकि ऐसा पत्ता कभी भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता, अशुभ माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे भी पत्ते ना हो, पत्ते हमेशा साफ और सुथरे होने चाहिए, उसके साथ साथ वह कहीं से कटे हुए भी नहीं होने चाहिए। और भोग के लिए आप बेर का यूज कर सकते हैं, भगवान शिव के इन चीजों से आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के साथ साथ चंदन और कुमकुम का यूज करें। भगवान शिव का तिलक चंदन से ही किया जाता है, हल्दी से नहीं, क्योंकि हल्दी भगवान शिव के लिए अशुभ मानी जाती है। नंबर 4, भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पहले भोग जो भी बनाया जा रहा है वह हमेशा दूध से बना होना चाहिए। खीर हो, दूध हो और ऐसा ही एक पदार्थ है भांग। भांग को भी हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, भांग के पत्ते हुए या फिर सीधे ही भांग बनाकर हम भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से भी शिव प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के साथ साथ आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रत रखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्रत किस प्रकार रखा जाता है। व्रत हमेशा सुबह से रखकर शुभ अगले दिन के सुबह तक रखा जाता है और अगले दिन भी आपको भगवान शिव के ऊपर स्नान कराकर ही उस व्रत को समाप्त किया जाता है। और इसके साथ खास ख्याल रखें कि दूध से बनी हुई चीजों का ही हम भगवान शिव के लिए भोग बनाएं और उसके साथ साथ आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को स्नान कराने के साथ साथ आपको ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जीवा पर भगवान शिव का नाम भी रहेगा और आज जितने भी प्रकोप हैं आपके जीवन में या समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगी। ये तो हुई व्रत की बात, लेकिन व्रत की समाप्ति किस प्रकार करनी चाहिए। वैसे तो पूरे दिन हमारा व्रत होता है, जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन से व्रत तो शुरू होता है सुबह से, लेकिन अगले दिन सुबह तक हमें उस व्रत को जारी रखना पड़ता है। सुबह स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर फिर से जाइए और भगवान शिव को स्नान कराने के बाद भगवान शिव का मंत्र दोबारा से उच्चारण कीजिए और ऐसा करने के बाद जो भी आपको प्रसाद मिलेगा उसे ग्रहण करने के बाद ही आपका व्रत समाप्ति पर आएगा। और यह है महाशिवरात्रि का गुण। यदि आप इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इसके बहुत फायदे मिलेंगे और आपको सफलता जीवनोत्तर यानी कि अंतर तक मिलेगी। ऐसा करने से आपको महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष आशीर्वाद भी ग्रहण मिल सकता है। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।